हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से एक नए क्लास को लेकर के, एक नए चैप्टर को लेकर के, एक नए ट्रिक्स और टिप्स को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का बहुत ही धांसू वीडियो में लेकर के आया हूँ, बहुत ही जानदार, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ में लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। पिछले वीडियो में हम लोग इंग्लिश टू हिंदी सीखे थे, आशा करता हूँ आप सबको आया होगा, आप सब सीखे होंगे। और आज हम लोग हिंदी टू इंग्लिश सीखेंगे एक नए ट्रिक के साथ। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ, कलम और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज का यह शानदार वीडियो। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ हो, बहुत सारे विद्यार्थियों का रिक्वेस्ट था कि सर जिस प्रकार से आपने इंग्लिश से हिंदी बनाना सिखाया था, उसी प्रकार से हिंदी से इंग्लिश भी हम लोग को बता दीजिए। बोर्ड एग्जाम्स में कई नंबर के प्रश्न पूछते हैं, हम लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, नहीं आता है, सरेंडर करते हैं अपने आप को। तो आज से अंग्रेजी हिंदी से इंग्लिश बनाने का आपका जो ये हेजिटेशन है, जो आपका डर है, वो कोसो दूर भाग जाएगा। तो अभी ज्वाइन करें देव क्लासेस को। हमारे वीडियो पर नए हैं यदि आप, तो सब्सक्राइब करें और अपने कंप्लीट एग्जाम्स की तैयारी करें इस देव क्लासेस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो ट्रिक्स है ये भी आप लोग के लिए वरदान साबित होने वाला है, तो ज़रूर पूरे वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना है, वीडियो को ध्यान से आप देखते रहेंगे और अपने कलम कॉपी पर लिखते रहेंगे, समझते रहेंगे और हर एक विद्यार्थियों को शेयर जरूर करना है। ये आपका ड्यूटी है, हिंदुस्तान के एक एक विद्यार्थियों को शेयर करना। हर एक बच्चा सीखेगा, हर एक विद्यार्थी सीखेगा। चलो देखते हैं कैसे। हमने ऊपर एक छोटा सा फार्मूला के रूप में लिखा है, लेकिन आप लोग के लिए फार्मूला नहीं है, आप लोग के लिए क्या है, ये वरदान साबित होने वाला है, यह सबसे बड़ा ट्रिक साबित होने वाला है। देखिए कैसे। हमने क्या कहा, कोई भी सेंटेंस जब आप बनाना चाहते हैं, जब कोई भी सेंटेंस आप बनाएंगे तो पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए। पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, सॉरी वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, इसके बाद ही कुछ आता है। तो आज का ट्रिक्स बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरे वीडियो में बने रहिए। देखिए क्या हमने कहा कि पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद वर्ब चाहिए, उसके बाद आपको नंबरिंग कर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको सिर्फ दो चीज़ें पहले पकड़िए, पहले क्या सब्जेक्ट और दूसरा क्या वर्ब, उसके बाद फिर नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4, अंग्रेजी हो गया पार, आसानी के साथ आपको आएगा। देखिए क्या हमने कहा, पहले सब्जेक्ट क्या लिखा, सालू रोज 5 बजे से कॉलेज में किताब पढ़ती है। अभी छोटा सेंटेंस में लिया हूँ, बड़े सेंटेंस भी लूँगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो मैं आपको दे रहा हूँ ये यूट्यूब पर पहली बार आपको मिल रहा है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको समझेंगे। मैं आशा करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे से आ जाने वाला है। तो क्या हमने कहा, सालू रोज 5 बजे से कॉलेज में किताब पढ़ती है। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट सालू हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, सालू हो गया। और हमने कहा सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब लेना है, क्या लेना है वर्ब, तो वर्ब कहाँ मिलेगा, पढ़ती है, वर्ब हो गया, पढ़ती है वर्ब हो गया, आप अच्छे से जानते होंगे वर्ब हो गया। उसके बाद फिर 1 2 3 4 नंबरिंग जितने बचते हैं सबको नंबरिंग कर दीजिए, यानी हमने किताब को दिया 1 नंबर, इन मे को दिया 2 नंबर, इस कॉलेज को दिया 3 नंबर, इसको दिया 4 नंबर, 5 बजे से हमने क्या दिया 6 नंबर, और रोज दिया सॉरी 5 नंबर, ये 6 नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 कितने नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए। चाहे नंबरिंग कितना भी हो, आपको सिर्फ 3 बातें समझनी है, पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, उसके बाद जितने बचते हैं सबको नंबरिंग करते चले जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप जितना भी बड़ा सेंटेंस हो यू चुटकियों में आप साफ करेंगे, चुटकियों में मेरे साथ देखिए कैसे। क्या लिखा हमने, हमने लिखा सालू, सालू पढ़ती है, पढ़ती है सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो रीड्स क्या होगा, रीड्स, रीड्स
फिर नंबरिंग जितना जितना नंबरिंग दिए हैं फटाफट लगाते चले जाइए, वेरी इजी, बहुत ही सरल है। क्या हो जाएगा, रीड्स अ बुक, रीड्स अ बुक कहाँ पढ़ रही है, इन इन द कॉलेज, इन द कॉलेज। से का फ्रॉम 5 बजे, 5 o'clock, 5 o'clock। और रोज का क्या हो गया, डेली, रोज का क्या हो गया, डेली। हो गया ना आसान, बहुत आसान होने वाला है, बहुत सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। क्या बन गया, सालू रीड्स अ बुक इन द कॉलेज, इन द कॉलेज फ्रॉम 5 o'clock डेली। हो गया, चलिए ये फर्स्ट सेंटेंस आपका हो गया। सेकेंड सेंटेंस लेते हैं, पानी पानी हमें जीवन जीवन देता है, पानी हमें जीवन देता है, पानी हमें जीवन देता है। एक एक विद्यार्थी को आने वाला है, हिंदुस्तान की एक एक विद्यार्थी सीखेगा, एक एक विद्यार्थी पढ़ेगा देव क्लासेस पर। तो अभी आप देखें कैसे मैं आपको सेकेंड, आप सभी बना रहे होंगे मेरे साथ, अभी बनाइए, तुरंत अपने कॉपी पर लिखिए। और कोरोना काल में, इस लॉकडाउन की स्थिति में, आप सभी अपने सुरक्षित घर में रहें, रजाई में रहें, और मेरे साथ वीडियो देखें, पढ़ें और अपने एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी करें। 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होने दूंगा, आप फ्री में सारे के सारे क्लास ज्वाइन करें। और यदि कोई वीडियो आपका छूटा हुआ है तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारे लेक्चर, सारे वीडियोज, सारे पार्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या होगा, पानी हमें जीवन देता है। फिर हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए पहले सब्जेक्ट, क्या चाहिए, हमें चाहिए सब्जेक्ट, हमें चाहिए सब्जेक्ट। फिर क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, वर्ब क्या हो गया, वर्ब हो गया। फिर जो बचेगा नंबरिंग कर दीजिए, यानी जीवन का क्या हो गया, जीवन यहाँ पे हो गया, ये जीवन यानी 1 नंबर, हमें जीवन, बस खत्म हो गया। क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा वाटर, वाटर देने का गिफ्ट्स, क्या होता है गिफ्ट्स, गिफ्ट्स अस लाइफ, वाटर गिफ्ट्स अस लाइफ। हो गया, सेकेंड वाला भी बन गया। छोटे छोटे सेंटेंस, बड़े बड़े सेंटेंस, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो आप आराम से बन जाएगा। आज के बाद ये नहीं कहिएगा कि हमको हिंदी से इंग्लिश नहीं बनाने आता है, इंग्लिश से हिंदी नहीं बनाने आता है, क्योंकि देव क्लासेस आपके लिए एक एक ट्रिक्स, एक एक टिप्स लेकर के आ रहा है। आप आराम से, सरल से, आसानी से, इजी वे में आप बनाएंगे और अपने स्टडी को पूरा करेंगे, केवल और केवल देव क्लासेस पर। चलिए लेते हैं तीसरा, क्या लिखा है, राम ने, राम ने क्या लिखा है, राम ने बच्चों को मिठाई दी, राम ने बच्चों को मिठाई, राम ने बच्चों को मिठाई दी, राम ने बच्चों को मिठाई दी। कैसे बनता है, आप सभी बनाइए मेरे साथ, अभी तुरंत बनाइए। कैसे बनता है, पहले क्या लेंगे, पहले सब्जेक्ट लेंगे। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या होगा, दी, वर्ब हो गया। उसके बाद तुरंत नंबरिंग कर दीजिए, बस 3 ही चीज़ जानना है, पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा नंबरिंग कर दीजिए, जितना लंबा से लंबा नंबरिंग होगा, लेकिन आपको आसानी से आ जाने वाला है। तो क्या हो जाएगा, मिठाई को हमने दिया 1 नंबर, कोक दिया 2 नंबर और ये 3 नंबर, ठीक। तो बन जाएगा, क्या बनेगा, ये हो जाएगा राम, राम दी गेव, दी दिया गेव, गेव स्वीट्स, क्या दिया, स्वीट्स, स्वीट्स किसको दिया, बच्चों को, टू चिल्ड्रेन, स्वीट्स टू चिल्ड्रेन, स्वीट्स टू चिल्ड्रेन। हो गया, राम गेव स्वीट्स टू चिल्ड्रेन। हो गया आराम से, एकदम इजी वे में आपको बता रहा हूँ, बड़े से बड़ा सेंटेंस आप यूं बना देंगे, यूं यूं बना देंगे। चलिए लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या करा भाई, राम ने बच्चों को मिठाई दी। चौथा, महान लोग, क्या होगा, महान लोग, महान लोग हमारे समाज का, हमारे
हमारे महान लोग हमारे समाज का गौरव हैं। क्या है? गौरव हैं। महान लोग हमारे समाज का गौरव हैं। कैसे बनेगा भाई? फिर वही बात आ गई। कैसे? महान लोग सब्जेक्ट हो गया, हैं हमने कहा था, चाहे वो मेन वर्ब हो, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, आप उसको आराम से पहले कैच करेंगे सब्जेक्ट को, फिर वर्ब को, उसके बाद जो बचेगा नंबरिंग कर दीजिए, आराम से आपका हिंदी से अंग्रेजी आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो गौरव हो गया फर्स्ट पॉइंट हमने दिया, ये आपका वर्ब हो गया, गौरव को फर्स्ट पॉइंट दिया। टू नंबर, थ्री नंबर, फोर नंबर, बस हो गया। तो क्या करेंगे? हमारे समाज का एक ही बात है, एक ही रहेगा आपका, हमारे समाज का एक ही रहेगा। तो कैसे बनेगा? द ग्रेट, महान का द ग्रेट। आपके वाकैब्स में कमी हो सकती है, आपको वाकैब्स में दिक्कतें हो सकती हैं, वहाँ पे आप थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ एकदम अचूक रामबाण है, आप इससे कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम्स में ये ऐसे सेंटेंस आने वाले हैं, 100% आने वाले हैं। तो आप यहाँ सीख करके अपने चैप्टर को पूरा कर सकते हैं। तो द ग्रेट, यहाँ पे पीपुल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि द ग्रेट वो पूरे जाति की बात कर रहा है, द ग्रेट महान लोग, द रिच अमीर लोग, ठीक है, द इस प्रकार से, द पुअर गरीब लोग, तो यहाँ पर पीपुल लगाने की जरूरत नहीं है। द ग्रेट आपने लगा दिया तो लोग की इंग्लिश हो गई, तो द ग्रेट। उसके बाद आर, द ग्रेट आर, क्योंकि द ग्रेट बहुत सारे महान लोगों की बात कर रहा है, एक लोग नहीं है, इसलिए आर, द ग्रेट आर। उसके बाद तुरंत क्या करेंगे आप? तुरंत नंबरिंग जो किए हैं आराम से उसको बना लीजिए। तो गौरव का क्या होगा? गौरव का प्राइड, कहते मुझे गौरव है, मुझे गर्व है, गौरव, प्राइड, प्राइड, प्राइड। काका ऑफ हमारे समाज, ऑफ अवर सोसाइटी, ऑफ अवर सोसाइटी क्या होगा? द ग्रेट आर प्राइड ऑफ अवर सोसाइटी, ऑफ अवर सोसाइटी बन गया। इस प्रकार से अभी मैं आपके लिए हजारों एग्जाम्पल्स लेने वाला हूँ, बने रहिए वीडियो में। अभी अगला एग्जाम्पल्स लेते हैं आपके लिए, कैसे रहेगा भाई ध्यान दीजिए। तो लग रहा होगा आप लोग को बहुत अच्छा, मैं आशा करता हूँ आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे, बहुत अच्छे सीख रहे होंगे। तो मैं लेता हूँ अगला एग्जाम्पल्स, क्या करा भाई, अगला एग्जाम्पल्स लेते हैं आपके सामने। गांव के गांव, क्या बोलेंगे? गांव के गांव, गांव के गांव विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, गांव के गांव विकास कर रहे हैं। यानी ये मैं आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने का भी फर्स्ट पार्ट दे रहा हूँ, फर्स्ट ट्रिक दे रहा हूँ। इसके बाद सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्लास में इसके अगले वीडियो में आपको लेकर के आऊँगा। तब से आप इसको सीखिए, समझिए और अपने नॉलेज में इम्प्रूवमेंट करिए किसी भी तरीके से, चाहे पहले रूल से, सेकेंड रूल से, किसी भी तरीके से जान करके। आपको एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने हैं और सीखना है, दूसरों को सिखाइए, आप खुद सीखिए, दूसरों को सिखाइए और हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को सिखाइए, फॉरवर्ड करिए। ये आप लोग की ड्यूटी है, आप लोग का कर्तव्य है। चलिए कैसे करते हैं भाई, क्या लिखा? गाँव के गाँव, आप यहाँ शहर के शहर, गाँव के गाँव विकास कर रहे हैं, शहर के शहर विकास कर रहे हैं, शहर के शहर नष्ट हो रहे हैं, आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो गांव के गांव, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, वही बात आएगी सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद नंबरिंग कर लेना है। ठीक, तो
विकास करना आपका वर्ब हो गया, विकास करना डेवलप, विकास करना डेवलप, यानी बस सब्जेक्ट और वर्ब है ही, तो होने वाला है बहुत आसान। कैसे बनाएंगे इसको, तो हो जाएगा विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, आर आर विकास डेवलपिंग, क्या होगा डेवलपिंग, है ना, क्या हो जाएगा डेवलपिंग, डेवलपिंग विलेज आफ्टर विलेज आर डेवलपिंग, सिटी आफ्टर सिटी आर डेवलपिंग, है ना। इस प्रकार से आप सेंटेंस, हजारों सेंटेंस आप बनाइए, जहाँ दिक्कतें होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मुझे कॉल करें कि यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आपके हर एक क्वेश्चन का सॉल्वेशन देव क्लासेस के पास है, आशीष सर के पास है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं आशीष सर के साथ, तो इसमें कहीं भी दिक्कतें आपको नहीं होने वाली है। लेते हैं अगला एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल है भाई, क्या करें क्या न करें, क्या करें क्या न करें, निर्णय क्या करें क्या न करें, निर्णय करना कठिन था, निर्णय करना कठिन था, क्या करें क्या ना करें, निर्णय करना कठिन था। तो आप कैसे बनाएंगे, पहले हमने क्या कहा, पहले सब्जेक्ट लेना है आपको, पहले सब्जेक्ट लेना है, तो क्या करेंगे, क्या करें क्या ना करें, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। कठिन था ये वर्ब हो गया, वर्ब हो गया, ये हमने इसको दिया नंबर वन, इसको दिया हमने नंबर वन, और निर्णय करना इसको दिया नंबर टू, नंबर दिया इसको हमें टू, ठीक। तो तुरंत बन जाएगा, कैसे बनेगा, तो क्या हो जाएगा, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, चाहे तो आप केवल नॉट भी ले सकते हैं, डू लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डू एक बार लगा था तो आप लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चाहते हैं तो आप लगा भी सकते हैं व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। उसके बाद व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, उसके बाद क्या हो जाएगा, वाज, डू के बाद वाज, कठिन फिर नंबरिंग है, जो नंबरिंग है उसको आप बनाइए, कठिन क्या होगा, कठिन का होगा हार्ड, हार्ड टू डिसाइड, हार्ड टू डिसाइड, क्या हो गया हार्ड टू डिसाइड, बन गया इस प्रकार से, क्या हो गया व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, वाज हैड सॉरी हार्ड एच ए आर डी हार्ड टू डिसाइड, इस प्रकार से सेंटेंस बन गया आपका। तो कितना आसान लग रहा है, कितना सरल लग रहा है आज का क्लास, आप हमें जरूर बताएंगे। लेते हैं एक एग्जाम्पल, और आज के लिए लास्ट एग्जाम्पल होगा, बहुत ही खास एग्जाम्पल हम आपके लिए ले रहे हैं। देखिए कैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमने क्या कहा भारत का प्रत्येक नागरिक, भारत का प्रत्येक नागरिक, भारत का प्रत्येक नागरिक अंग्रेज के हाथों में, अंग्रेज के हाथों में, अंग्रेज के हाथों में किसी पशु के समान था, किसी पशु के समान था, पशु के समान था, यानी क्या हमने कहा, भारत का प्रत्येक नागरिक अंग्रेज के हाथों में किसी पशु के समान था। तो बस पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब उसके बाद नंबरिंग कर दीजिए, आराम से सेंटेंस बन जाएगा। तो क्या कहेंगे, भारत का प्रत्येक नागरिक, है ना, यहाँ पर आफ आया है तो यहाँ पे हमने क्या देंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद था, वर्ब हो गया,
ठीक समान वन नंबर, किसी पशु के दो नंबर, मे का तीन नंबर, हाथ का चार नंबर, ऑफ का पांच नंबर, अंग्रेज का छः नंबर। ठीक है, ये हो गया छः नंबर। तो बस नंबरिंग कर लिए यानी सवाल सही हो गया। देखिए कैसे, भारत का प्रत्येक नागरिक, भारत का प्रत्येक नागरिक यानी कि जब बीच में का आ जाता है तो उसे क्रॉस में बनाते हैं, क्रॉस में यानी एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये आपका सब्जेक्ट है। जब बीच में ऑफ आ जाता है तो लास्ट वाले को फिर फर्स्ट वाले को बीच में का, तो क्रॉस बनाते हैं, क्रॉस बनाएंगे, ऐसे क्रॉस बनाएंगे एवरी सिटीजन ऑफ फिर इंडिया, तो क्या बन जाएगा एवरी सिटीजन, एवरी सिटीजन ऑफ, क्या हो गया एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद था है तो वाज, वाज, वाज समान लाइक, लाइक क्या करेंगे लाइक, लाइक ऑफ एनी, लाइक ऑफ एनी क्या करेंगे, हमने क्या लिखा एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया वाज लाइक ऑफ एन एनिमल, ऑफ एन एनिमल, ऑफ एन एनिमल, तो क्या होगा एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया वाज लाइक ऑफ एनी एनिमल। हमने क्या दिया पहले समान का लाइक, के का ऑफ, किसी पशु का एन एनिमल, एन एनिमल, मे का इन, मे का इन किसमें, इन हैंड, इन हैंड हाथों का, हैंड इन हैंड, हैंड्स ऑफ का ऑफ अंग्रेज द इंग्लिश, द इंग्लिश क्या कर देंगे द इंग्लिश अंग्रेज, हमने कहा था द ग्रेट महान लोग, द पुअर गरीब लोग, द रिच धनी लोग, द इंग्लिश अंग्रेज लोग, अंग्रेज। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका आसानी से बन गया, क्या हो गया एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया वाज लाइक ऑफ एनी एनिमल इन हैंड ऑफ द इंग्लिश, है ना। ये हो गया आपका आज का क्लास ओवर। तो आप जरूर, आशा करते हैं जरूर सीख गए होंगे, ना सीखने का सवाल ही नहीं उठता है, आप जरूर सीख गए होंगे। ठीक, तो आज का वीडियो कैसा लगा, क्या आप सीख पा रहे हैं, क्या आप अपने परीक्षा की तैयारी कर पा रहे हैं, रजाई में बैठे रहिए, ढूंढा खाते रहिए, इंजॉय करते रहिए और देव क्लासेस साथ जुड़ करके सारे चैप्टर को क्लियर करते रहिए। तो जरूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे आज का वीडियो कैसा लगा, और ये फर्स्ट पार्ट है, अभी हिंदी से इंग्लिश बनाने का फर्स्ट पार्ट है, मैं सेकेंड पार्ट जल्द से लेके आने वाला हूँ आपके बीच, क्योंकि मैं आपको कई तरीके से बताना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चों को एक तरीका अच्छा लगता है, दूसरे की मांग करते हैं, तो उनके लिए मैं रिसर्च कर करके, उसको मैं खोज करके, उसको मैं बना करके आपके सामने लेकर के आता हूँ ईजी वे में, ताकि आप पढ़ सकें, सीख सकें, दूसरों को सिखा सकें। तो ओवर करते हैं आज का क्लास, जय हिंद।